तो बिहार बीएड स्पॉट एडमिशन, उसके साथ जानेंगे क्या होगी पूरी प्रक्रिया, स्पॉट के थ्रू कैसे नामांकन होगी, और इसके साथ ही साथ अभी सेकेंड मिडिल यहाँ पे के बाद उस टाइप पर कितना प्रतिशत सीटें बची है, कितने सीट पर नामांकन होगा स्पॉट राउंड में, पूरी जानकारी के सुनो दोस्तों बताऊँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी के आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। तो बात करें इस बार नामांकन की रफ्तार काफ़ी धीमी, कॉलेजों ने की दोस्तों थर्ड राउंड की मांग। बात करें सीईटी बीएड यहाँ पे दूसरे राउंड के बाद भी देखो 40% से अधिक सीटें खाली जी दोस्तों। बात करें पे सेकंड लिस्ट भी, सेकंड में लिस्ट के बाद भी देख पाओ यहाँ पर 40% से अधिक सीट अभी भी है खाली। बात करें यहाँ पर स्पॉट राउंड यहाँ पे 14 से 24 जून के बीच होगा प्रस्ताव है जी दोस्तों। बात करें पे थर्ड में लिस्ट अब नहीं निकलेगी, अब सीधा एकदम नामांकन होगा, स्पॉट राउंड होगा, नामांकन सीधा दोस्तों यहाँ पर होगा। बात करें यहाँ पर 40% अभी अधिक सीटें खाली, आखिर इसके पीछे क्या वजह है बताएंगे वीडियो में आगे, पूरा देखना दोस्तों। बात करें यहाँ पर इंट्रेंस टेस्ट में आस की में या बात करें पास यहाँ पर 1,43,000 देख पा रहे, यहाँ पर 832 छात्रों में से 77,589 ने ही कराया रजिस्ट्रेशन, देख पा रहे 70,000 रजिस्ट्रेशन करवाया है। बात करें यहाँ पर बिहार बीएड सीट 2023 के तहत चल रही राज्य स्तरीय बीएड नामांकन प्रक्रिया का दूसरा राउंड समाप्त हो गया। जानकारी के अनुसार बीएड में नामांकन की रफ्तार इस बार धीमी है, कॉलेजों में करीब 40% से अधिक सीटें देख पा रहे सेकेंड राउंड के बाद भी खाली रह गई, ये क्या हुआ। हालांकि नामांकन देर शाम तक जारी रहा, रूरल संस्थान लेते हैं बिथा यूनिवर्सिटी ने भी बीच में छूटे हुए अभ्यर्थियों को दोबारा रजिस्ट्रेशन का मौका दिया था, उसमें भी बहुत अधिक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। पहले राउंड में 45% में 16,898 छात्रों ने नामांकन लिया, सेकेंड राउंड के कुल नामांकित छात्राओं की सूची 13 जून को वेबसाइट पर जारी की जाएगी, कितना का नामांकन हुआ। वही तो बात करें यहाँ पर पढ़ पा रहे हो, वही से बात करें यहाँ पे देख पा रहे हो कि इंट्रेंस में बात करें इतने सारे लोग थे भी यहाँ पर बहुत देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे 40% से अधिक सीटें यहाँ पे बाकी है। बात करें यहाँ पर फिलहाल वीवी में इस पर विचार चल रहा है कि थर्ड मिलिस्ट निकलेगी या नहीं, कॉलेज भी तीसरे राउंड के नामांकन की प्रक्रिया मांग रहे हैं। शेड्यूल के मुताबिक सेकेंड राउंड के बाद सीधे स्पॉट राउंड नामांकन होता है, 14 से 24 जून के बीच स्पॉट राउंड नामांकन होगा, 1 जुलाई से क्लासेस शुरू होनी है। नोडल पदाधिकारी अशोक कुमार मेहता ने बताया कि थर्ड राउंड को लेकर अभी कुछ नहीं तय हुआ है, वीवी विचार विमर्श के बाद निर्णय लेगा। सीटों की सूची वेबसाइट पर 13 जून को जारी कर दी जाएगी, उसी दौरान आयोग की प्रक्रिया की घोषणा की। अब बीएड की ओर दोस्तों यहाँ पे झुकाव कम हुआ। बात करें यहाँ पे पटना टीचर ट्रेनिंग के कॉलेज देख पा रहे हो जो प्राचार्या हैं प्रोफेसर आशुतोष कुमार जी, इनका क्या कहना है कि बीएड की ओर झुकाव हुआ कम, सरकार की ओर से जारी शिक्षकों की वैकेंसी में बीएड के बाद भी सीटेट और फिर बीपीएससी की परीक्षा होगी, बीएड के प्रति छात्राओं का झुकाव कम हुआ है। वही बीएड की डिग्री यहाँ पे 2030 के बाद बहुत उपयोगी नहीं रहेगी, क्योंकि एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अनुसार शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्ष की बात करें यहाँ पे इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स हो जाएगी, यह भी कम नामांकन का दोस्तों पीछे कारण है। तीसरी सूची से मिलेगा एक और मौका, ज़्यादातर निजी जो प्राइवेट बीएड कॉलेजेस है वे करीब 40% से अधिक सीटें खाली हैं, इसलिए अगर तीसरी सूची निकलती है तो नामांकन का एक और मौका मिलेगा, उसके बाद बची हुई सीटों पर स्पॉट राउंड के तहत दाखिला लिया जा सकता है। देख पा रहे यहाँ पर बीपीएससी की वैकेंसी को छात्रों को सकारात्मक इसे गुणवत्ता बढ़ती है, ये देख पा रहे कहना हुआ यहाँ पे एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन सचिव जी का। अभी भी दोस्तों देख पा रहे हैं पर बिहार बी की तरफ से स्पॉट एडमिशन बहुत नोटिफिकेशन यहाँ पर आ गया है, शेड्यूल आ गया, जारी कर दिया गया कि देख पा रहे नोटिफाई किया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है बीएड कॉलेजेस को, डिपार्टमेंट्स को, स्टेट ऑफ बिहार के सीईटी 2023 जो भी क्वालिफाइड और जो भी रजिस्टर कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए एंड एडमिशन प्रोसेस 2 साल का जिनको लेना है बीएड शिक्षा शास्त्री में, तो स्पॉट राउंड जी दोस्तों बात करें अभी भी नोटिस आ गई कि थर्ड राउंड मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगी दोस्तों, सीधा आपका स्पॉट राउंड अब होगा। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो स्पॉट राउंड आपका यहाँ पर बीएड और शिक्षा शास्त्री कोर्स के लिए 2 साल वाले कोर्स के लिए यहाँ पर 14 जून से 20 जून के बीच दोस्तों यहाँ पर होगा। ठीक है, और जो भी प्रिंसिपल्स हैं जो हेड है बीएड कॉलेजेस के डिपार्टमेंट के, उनको बताया जा रहा है कि वो एडमिशन दोस्तों ले जो बी आर बी एड सीईटी 2 क्वालिफाइड है 2023 वाले, और जो भी रजिस्टर कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर जो भी खाली बचे सीटें जो कॉलेजेस पर रजिस्टर करें उनका एडमिशन ले रूल के अकॉर्डिंग। देख रहे हो तो ये सीईटी बीएड यहाँ पे जो कंडक्ट हुआ था उस एग्जाम में बैठे थे, इस पर भी शेड्यूल देखो यहाँ पर जो भी खाली डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी इन रिस्पेक्टिव कॉलेज, जो भी सारे कॉलेजेस में जितने भी सीटें खाली हैं कॉलेज के डिपार्टमेंट में वो डिस्प्ले दोस्तों दिखेगा, उसका जितने सीटें खाली हैं 14 जून को दिखेगा। ठीक है, इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन अब सभी कॉलेजेस के द्वारा देख पा दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा 14 से 15 जून तक, देख पा रहे एप्लीकेशन और सेलेक्शन लिस्ट दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले करेगा नोटिस बोर्ड पर कॉलेजेस के,
16 जून को। तो आपको आवेदन करना है, जिनको भी जिनका भी नामांकन अभी तक किसी में लिस्ट में नहीं हो पाया, तो आपको भी अगर अप्लाई करनी तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर स्पॉट राउंड के थ्रू 14 जून को तो खाली सीट आप देख सकते हो, और 14 जून से 15 जून ही आपको जाके इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो ये सीधा पाओ सीधे आओ, यानी पहले पाओ के तर्क पर होगा। तो आपको जिस कॉलेज में नामांकन लेना है उस कॉलेज में दौड़ के चले जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के बताते हैं वीडियो में, और जा करके आपको बस एडमिशन ले लेनी है बची हुई सीटों पर, ठीक है, कुछ नहीं। और इसमें डिस्प्ले होगा जो भी फ्रेश आपका जो सिलेक्शन हो जाता है लिस्ट डिस्प्ले करेगा आपके अपना कॉलेज नोटिस बोर्ड पर 16 जून को। फिर पेपर वेरिफिकेशन कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन हो जाएगा आपका 17 से 20 जून तक। तो ये सब कुछ आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स के लिए कि आपको दोस्तों पहले चेक कर लेना है सीट्स खाली है नहीं उस कॉलेज में पहले एडमिशन लेने से पहले, और कैंडिडेट को जो भी क्वालिफाइड हैं सी ई टी 2023 और जो रजिस्टर किए हैं काउंसिलिंग से रजिस्टर किए हैं हैव नॉट टेकन एडमिशन, जो एडमिशन नहीं लिए हैं जो भी फर्स्ट सेकंड राउंड में वही एडमिशन ले सकते हैं स्पॉट राउंड में। अगर आपने एडमिशन ले लिया फर्स्ट सेकंड राउंड में तो आप स्पॉट राउंड में भाग नहीं ले पाओगे। कॉलेज डिपार्टमेंट विल टेक द एडमिशन लेंगे, ठीक है, एडमिशन रूल के अकॉर्डिंग लेंगे, सिलेक्शन लिस्ट देख पा रहे हो निकाला जाएगा, कॉलेज द्वारा बनाया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा नोटिस बोर्ड पर कॉलेज का। वैसे कैंडिडेट जो कि अभी तक रजिस्टर नहीं किए काउंसलिंग के तो उनका नाम विल नॉट फिगर वहाँ पर डैशबोर्ड पर नहीं दिखेगा, ठीक, उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और सी ई टी बी 2023 कोई क्वालिफाइड है जो रजिस्टर कैंडिडेट्स हैं उनको पार्सल फी एडमिशन फी पे करना होगा अपने कॉलेज में डिपार्टमेंट मेड सेल्फ, ठीक है, कॉलेज फी के साथ ही। अब देखो यहाँ पर स्पॉट एडमिशन का प्रोसेस क्या है, यहाँ पर तो कॉलेज और डिपार्टमेंट लॉग इन करेंगे आपके और यूज़र आई डी पासवर्ड के साथ, फिर कॉलेज और डिपार्टमेंट देख पा रहे हो सर्च द एप्लीकेंट्स डिटेल्स आपका सर्च करेंगे, आप एप्लीकेशन आई डी डालेंगे, ठीक है, सर्च आइकन उनको मिलेगा उस पर, फिर आपको वेरी डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई हो जाएगा, आपका एडमिशन पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, बटन पर क्लिक करेंगे और एक्टिवेट हो जाएगा जो कॉलेज के द्वारा आराम से डैशबोर्ड। फिर जो भी रेस्ट प्रोसेस बचा हुआ है दोस्तों वो उसी तरह फॉलो किया जाएगा जैसे फर्स्ट सेकेंड राउंड में प्रोसेस हुआ था एडमिशन का। यहाँ पर स्पॉट राउंड के थ्रू आपको जो एडमिशन लेना है तो बस कुछ नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको कॉलेज जाना है। देखो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, एडमिट कार्ड सी ई टी बी एड एग्ज़ाम का, रिजल्ट कार्ड आपका सी ई टी बी एड एग्ज़ाम का, कॉलेज अलॉटमेंट 3000 फी पेमेंट का रेसिपी, तो खैर आप पैसा रख लीजिएगा, ठीक है, वहीं पे आपको करना होगा। चलो फिर क्लास टेन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्लास ट्वेल्थ की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट जो भी आप डिग्री किए हैं सर्टिफिकेट है मार्कशीट, अगर पीजी की हो तो उसका लगा दोगे मार्कशीट, सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट देख पा रहे हो यहाँ पर वो उसका ओरिजिनल जमा होगा, रूमेज सर्टिफिकेट अगर है तो, कास्ट सर्टिफिकेट किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, EWS अगर EWS सर्टिफिकेट है तो, PWD अगर दिव्यांग है तो PWD सर्टिफिकेट, और भी किसी कोटा से बिलोंग करते हो तो कोटा का सर्टिफिकेट, और आपका रिसेंट हाल ही भेजा हुआ 4 कलर फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट दोस्तों लेकर के आपको जाना है इस स्पॉट राउंड के थ्रू अपने कॉलेजेस में नामांकन लेने के लिए। तो ये दोस्तों बात करें बिहार BEd यहाँ पर नामांकन की बहुत बड़ा अपडेट, किन्हीं को डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो पसंद है लाइक करिए, इस तरह का अपडेट डेली पाने के लिए चैनल से बने रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही, और भी हमारे चैनल से बने रहें दोस्तों, क्योंकि फिलहाल तो अभी की जर्नी आप लोग की शुरू हुई है, आपने BEd में दाखिला लिया अपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ का प्लेटफॉर्म चैनल पर देखने को मिलेगा, बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपने किस यूनिवर्सिटीज़ में किस कॉलेज में दाखिला लिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।